बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, लिक्विड्स में के चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, जो था उसी में के अंदर लास्ट उसका टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी मेजरमेंट्स। अच्छा, उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को हम यूज करके अप्लाई कर सकते हैं वो है कंफर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं। हमने पीछे बात की थी कि ये एडिटिव बी प्रॉपर्टी है और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी है, तो मुख्तलिफ एटम्स की भी ये काइन की वैल्यूज हैं और बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड्स की भी हैं, अरेंजमेंट्स की भी हैं, तो उनको यूज करके हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को वेरीफाई कर सकते हैं बाई कंपेयरिंग द थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। कि एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आएगी वो तो एक्चुअल स्ट्रक्चर के हिसाब से आएगी, और थ्योरेटिकली हम जो सोच रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए उसके हिसाब से हम जो कैलकुलेट कर लेंगे उस टेबल को यूज करते हुए, तो अगर वो मैच कर जाती है तो इसका मतलब जो हम स्ट्रक्चर उस मालिक्यूल का सोच रहे हैं वो ठीक है, वैसा ही है। दूसरी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया था, ये तो फार्मूला डायरेक्ट था काई एम का मैग्नेटिक मोमेंट के साथ जो रिलेशनशिप था, तो उसमें हमने फार्मूला ड्राइव किया मैग्नेटिक मोमेंट का, रिलेशनशिप निकाला नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो बराबर था एन इंटू एन प्लस टू होल अंडर रूट, तो म्यू एम का स्केयर जो है वो अंडर रूट को खत्म कर देगा तो एन इंटू एन प्लस टू हो जाएगा, तो आपके पास काई एम का फार्मूला आ गया जेड एन ए ओवर थ्री के टी एन इंटू एन प्लस टू। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड कर सकते हैं अगर हमें काई एम का पता हो। जेड भी कांस्टेंट था, एन ए भी कांस्टेंट है, थ्री भी कांस्टेंट, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर का आपको जो स्पेसिफिक पता हो उस खास टेम्परेचर पे, काई एम का भी पता हो, तो हम दो की वैल्यूज पुट करके एन की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए फाइंड कर सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस, के मुख्तलिफ जो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बनते हैं तो उन उनकी कोऑर्डिनेशन को कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने में भी ये हेल्प करती है, प्लस हमें उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये विच कैन बी गेस थ्रू द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, कि उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो उसी तरह उसकी वो फिर स्ट्रक्चर जो है उसकी अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स की है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे यहाँ उसने एग्जांपल दी है Fe F6 हेक्सा फ्लोरो फेरेट और ये इसकी पावर -3 है, तो उसमें आयरन की वैलेंसी आप निकालेंगे ऑक्सीजन स्टेट तो वो +3 निकलेगी, तो ये कहलाएगा हेक्सा फ्लोरो फेरेट 3 आयन। इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और अगर FeCN6 हो पावर -3 के साथ ही है हेक्सा सियानो फेरेट थ्री आयन, तो उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। रीजन इसने यहाँ लिखी है कि फ्लोराइड आयन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है और साइनाइड आयन जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसमें आपने इसकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ी हैं VBT MOT वगैरह, तो उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं MOT VBT जो है ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंडर, कि ये आयरन है इसकी ये कोऑर्डिनेशन 26 इसका एटॉमिक नंबर है तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है। जब ये आयरन +3 वैलेंसी शो करेगा Fe +3 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 4s2 भी चले जाएंगे और एक डी में से भी ये जो पेयर्ड अप हुआ हुआ है ये भी चला जाएगा, तो पीछे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब जो फ्लोराइड आयन है जिसे उसने नाम दिया था कि वीक फील्ड लिगेंड है, ये जब आएगा तो ये आके खाली जो ऑर्बिटल होंगे सिर्फ उन्हीं के अंदर आके कोऑर्डिनेट कोलोनवा बाउंड बनाएगा
इन जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन इस डी के पांच ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं, उनको वो पेयर अप नहीं करेगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो वैसे ही रहेंगे। और खुद ये 4s का खाली ऑर्बिटल है, 4p के तीन है और 4d के दो खाली जो है, उनको यूज करके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है ना, वो छह कोऑर्डिनेट कार्बन बॉन्ड बना लेगा। लेकिन जब सैनाइड आता है, सैनो ग्रुप आता है जो कि स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड कहलाता है, तो वो आके पेयर अप कर देता है इन पांच को जो अनपेयर थे, पेयर अप करेंगे तो दो में वो मुकम्मल पेयर हो जाएंगे, एक में एक अनपेयर रह जाएगा, तो पांच यहाँ हो गए। अब 3d के यहाँ फिल हुए पड़े हैं इन पांचों के साथ, 2d के खाली थे, एक 3d के दो, 4s और 4p, तो ये बनती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन d2sp3। ऊपर वाली थी sp3d2 और ये कहलाती है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी। तो इसमें छह साइनाइड आयन इसी तरह आके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड बना लेते हैं। अब देखो उस जिसमें उसने फ्लोराइड ने अनपेयर्ड को नहीं छेड़ा, तो उसमें पांच अनपेयर्ड हैं, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी जो शो करेगी कि इसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जो सैनाइड वाला है उसने चूंकि पेयर्ड अप कर दिया, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी कम हो जाएंगी, तो जो यू शो कर रही होंगी कि इसके पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके पास होंगे, जहर बाद वो पैरामैग्नेटिक बन जाएंगे, आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स भी शो करेंगे, और जिनके पास पेयर्ड अप होंगे वो फिर डायमैग्नेटिक कहलाएंगे। अब जैसे ये NO, NO2, ClO2 जो है, ये तीनों जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर इनकी बन जाती है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करें तो इनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रा होते हैं। ये NO है जिसमें ऑक्सीजन का तो पेयर्ड अप है, सारे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में पांच थे, दो उसने ऑक्सीजन से शेयर किए, दो लोन पेयर की शक्ल में है और एक जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शक्ल में है। इसी तरह जब NO2 बनेगा तो इसी नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है वो आने वाली ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कार्बन बॉन्ड बना लेगा और आपका अनपेयर्ड जो है इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का वो वैसे ही इसमें भी कायम रहेगा। क्लोरीन डाइऑक्साइड में भी ऐसे ही है कि क्लोरीन जो है अपने वैलेंस शेल के सात इलेक्ट्रॉन में से दो ऑक्सीजन के साथ को डबल बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लेती, बाकी दो जो है वो एक दूसरी ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कार्बन बॉन्ड में इस्तेमाल हो गए, दो इसके पास लोन पेयर की शक्ल में है और एक इलेक्ट्रॉन इसका सात में से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शक्ल में रह जाता है। तो ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक करेक्टर भी शो कर रहे होते हैं। उसके बाद पांचवें है जी, लास्ट पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ फार्मूलाई ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। तो मुख्तलिफ कंपाउंड जो है उनके फार्मूले जो हैं उनको हमने वेरीफाई करना हो तो उसमें भी ये चीज हमारी हेल्प कर सकती है। जैसे H2PO3 मॉलिक्यूल है, ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इसको कहते हैं, तो ये इस जो इसका हमने H2PO3 फार्मूला लिखा हुआ है इस शक्ल में नहीं पाया जाता, ये डाइमर की फॉर्म में H4P2O6 की फॉर्म में पाया जाता है। और इसके जो साल्ट्स के फार्मूला आप देखें तो वो भी Na2H2P2O6 या Ag4, यानी चार हाइड्रोजन है, चार में से दो रिप्लेस हो जाएं या चारों के चारों रिप्लेस हो जाएं, तो P2O6 के साथ वो सिल्वर का कंपाउंड जैसे बन गया या सोडियम का बन गया। तो ये शो कर रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका वो डाइमर की शक्ल में पाया जाता है। तो कहते हैं उसकी वजह, अब हम अगर फिजिकली उसका प्रैक्टिकली देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर को ना, तो ये सारे डायमैग्नेटिक हैं, पैरामैग्नेटिक करेक्टर नहीं रखते कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। हालांकि इस स्ट्रक्चर में H2PO3 की अगर आप बात करें उस स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
आ जाना चाहिए, लेकिन डबल होने की वजह से, डाइमर होने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाता है, नहीं आ पाता और वो पेयर्ड अप हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो पैरामैग्नेटिक करेक्टर अब नहीं रहता, वो डायमैग्नेटिक में बदल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये सिंगल फॉर्म में नहीं बल्कि डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनता है, H2PO3 का, जिसमें ये फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, फास्फोरस पांचवें ग्रुप में है, वैलेंस शेल में पांच इलेक्ट्रॉन, तो दो इधर शेयर हो गए, एक ऊपर एक नीचे, चार, और एक अनपेयर्ड इसके पास पड़ा हुआ है, तो पांच इलेक्ट्रॉन इसके हैं इस वक्त। तो अनपेयर्ड की वजह से इसे पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक करेक्टर नहीं रख रहा बल्कि डायामैग्नेटिक है। उसकी वजह क्या है कि एक ये वाला स्ट्रक्चर इसी तरह के दूसरे स्ट्रक्चर के साथ, जैसे ये दो हैं आपस में, वो जब बाड बनाते हैं तो फास्फोरस फास्फोरस से वही जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन था उसके थ्रू जुड़ जाता है, तो वो अनपेयर्ड भी या पेयर्ड अप हो चुके हैं, तो इस वजह से वो पैरामैग्नेटिक करेक्टर उसका अब खत्म हो जाता है, वैनिश आउट हो जाता है, सिर्फ डायामैग्नेटिक करेक्टर जो है ना वो उसका बच रहता है। तो इस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो डाइमर की फॉर्म में इसका पाया जाना, हम पैरामैग्नेटिक करेक्टर को देखते हुए ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि वाकई ये डायामैग्नेटिक डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है और डायमैग्नेटिक करेक्टर शो करता है। इसी तरह कह रहा है कि ये जो NaHPO3 अगर होता या Ag2PO3 होता तो वो तो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और उसे पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, इस वजह से हमने कहा कि ये डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह कह रहा है, हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो मरकरी है वो मर्क्यूरस जो +1 उसकी जो वैलेंसी है वो सिंगल नहीं है, HgCl की फॉर्म में नहीं बल्कि HgCl2 की फॉर्म में पाया जाता है, सिंगल फॉर्म में नहीं पाया जाता, तो उसको भी जस्टिफाई करना हो तो हम इस फॉर्म में इसी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेते हुए, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक करेक्टर की हेल्प लेते हुए हम ये साबित कर सकते हैं कि भाई ये जो है वो डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हम इसको गैस फेज में ले जाएं तो गैस फेज में ये इनकी मॉलिकुलर मास हम निकालें तो वो डाइमर 2 यूनिट्स की मास निकलती है, 1 यूनिट की नहीं निकलती, इस वजह से इस चीज को भी सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि ये डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पे बात हमारी चूंकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के वाले से हो रही थी, इसलिए हमने कहा कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक किसी का होना, स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो वो अनपेयर्ड है और वैसे वो पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, वो जो अनपेयर्ड नजर आ रहा है वो कहीं पेयर अप हो चुका है, जैसे इसने डाइमर बना के अपने आप को पेयर अप कर लिया था। चलें यहां तक जी, आपकी एप्लीकेशन जो है वो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की मुकम्मल हो जाती है।